आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धर्मशाला एंड डलहौजी टूर प्लान। इंडिया के हिमाचल प्रदेश में कई बेहतरीन हिल स्टेशंस हैं, जिनमें से दो बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, धर्मशाला एंड डलहौजी। धर्मशाला एक बहुत ही साफ़ सुथरी और सुंदर जगह है। धर्मशाला दो डिवीज़न में बंटा हुआ है, अपर डिवीज़न एंड लोअर डिवीज़न। लोअर डिवीज़न खुद धर्मशाला टाउन है और अपर डिवीज़न फेमस है मैक्लोडगंज के नाम से। और डलहौजी एक अलग ही खूबसूरत सा छोटा सा हिली टाउन है। ये शहरों के शोरगुल से दूर बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, जहाँ पे आप नेचर को क्लोजली फील करते हैं। इन दोनों ही हिल स्टेशंस में आप बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखते और फील करते हैं, जैसे कि पीसफुल एनवायरनमेंट, सीनिक ब्यूटी, हेरिटेज बिल्डिंग्स, देवदार के पेड़ों से घिरी हुई सुंदर वैली और स्नो कैप माउंटेन्स। आपके फर्स्ट डे की शुरुआत होगी धर्मशाला से। आप कहीं से भी हैं, आपको सबसे पहले ट्रेन से पहुंचना है पठानकोट। पठानकोट 90 किलोमीटर दूर है धर्मशाला से, तो आप वहां से कैब करके फिर धर्मशाला पहुंचते हैं। कार से आप 2.5 आवर में धर्मशाला पहुंच जाते हैं। फिर आपने धर्मशाला में करना है अपने होटल में चेक इन एंड आप घूमेंगे धर्मशाला के लोकल प्लेसेस। धर्मशाला के मेन प्लेसेस में आता है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। घूमते घूमते अभी मैं पहुंच गई हूं धर्मशाला के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यहां पे फिलहाल कोई मैच तो चल नहीं रहा, लेकिन लोग यहां पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं फील कर पा रही हूं कि जब यहां पे मैच चल रहा होगा तो कितना ज़्यादा क्राउड और कितना ज़्यादा शोर और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस प्लेस में होती होगी अपने इंडिया के लिए। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जिसका एल्टीट्यूड 1457 मीटर है। ये क्रिकेट स्टेडियम अपने ब्यूटीफुल सराउंडिंग के लिए फेमस है। अब पहुंची हूं मैं सेंट जॉन चर्च, और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। आसपास पाइन ट्रीज हैं और पाइन ट्रीज के बीच में ये खूबसूरत चर्च है, तो आइए चलते हैं। सेंट जॉन चर्च, ये चर्च 1852 में बना है और ये चर्च डेडिकेटेड है बैप्टिस्ट जॉन को, और ये बहुत ही खूबसूरत देवदार के जंगल के बीच में बना हुआ चर्च है, जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी मैं आ गई हूँ मैक्लोडगंज की डल लेक में, जिसे भागसुनाक लेक भी कहते हैं। डल लेक, डल लेक लोअर धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और ये भी सराउंडेड है ब्यूटीफुल देवदार के जंगल से, और ये बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है। और इसके ही किनारे पर है शिव पार्वती का मंदिर, और हर साल सितंबर में यहाँ पे मेला मनाया जाता है। नड्डी व्यू पॉइंट, नड्डी व्यू पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ से आप धौलाधार रेंज को बहुत ही करीब से देखते हैं, और ये प्लेस फेमस है अपने ब्यूटीफुल सनसेट के लिए भी। भागसुनाग टेम्पल एंड वाटरफॉल, धर्मशाला से 3 किलोमीटर ऊपर ये भागसुनाग टेम्पल आपको देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, और इसके सामने दो तालाब हैं। एक तालाब में आप नहा सकते हैं और एक तालाब का पानी आपको पीने के लिए होता है। और यहीं से ही 10-15 मिनट के वॉक के बाद आप पहुंच जाते हैं भागसुनाग वाटरफॉल, और रास्ते में आपको मिलते हैं कई कैफ़े, और यहाँ पर आप ज़िप लाइन भी इंजॉय कर सकते हैं। और ऐसी वैसी ज़िप लाइनें आप जाते हैं ज़िप लाइन में, और जब वापस आते हैं ज़िप लाइन से वो भी आप आते हैं साइकिल में, तो ये बहुत ही डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे लिया। दलाई लामा टेम्पल, दलाई लामा टेम्पल मैक्लोडगंज की मार्केट से थोड़ा सा नीचे जाके है, और यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट फील करते हैं, क्योंकि आसपास बहुत सारे मॉन्क्स को आप चैंटिंग करते हुए देखते हैं। और इसे मैक्लोडगंज को दलाई लामा का घर भी कहा जाता है, तो आप सच में ये चीज़ यहाँ पे जाके फील भी करेंगे।
थर्ड डे आप धर्मशाला से निकल सकते हैं डलहौजी की तरफ, और डलहौजी है धर्मशाला से 120.6 किलोमीटर की दूरी पर, और 4 घंटे में आप बाय रोड यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और अगर आप लोकल टैक्सी करते हैं तो 4500 रुपीज़ तक का किराया आपको देना पड़ सकता है। और शाम को आप जब पहुँचते हैं डलहौजी तो आप डलहौजी के मॉल रोड में घूम सकते हैं, यहाँ का लोकल फूड इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें भी आप बाय कर सकते हैं। फोर्थ डे आप जाएं खजियार की तरफ। खजियार को इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। सी लेवल से इसकी ऊंचाई 6500 फीट है और ये बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और लेक का। खजियार में आप देखेंगे खजियार लेक। खजियार लेक बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट और एक ग्रासलैंड के बीच में है, और यहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ आते हैं तो ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। और यहाँ पे आप देखते हैं लश ग्रीनरी, आसपास देवदार फॉरेस्ट और माउंटेन्स, और यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ भी हैं, तो अगर आप यहाँ पे फ़ूड भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आसपास आपको स्ट्रीट फूड जैसे गोलगप्पा वगैरह ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, और खजियार में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को भी मिल जाती हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, जोरबिंग है, ये चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आप चले जाएँ काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये घर है एक लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स का। फिफ्थ डे आप डलहौजी के लोकल प्लेसेस में घूमें, जिसमें है पंचपुला। पंचपुला वाटरफॉल एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स भी हैं। फिर आप जाएं सेंट फ्रांसिस चर्च। ये डलहौजी का बहुत पुराना चर्च है और बहुत ही खूबसूरत चर्च है। फिर आप जाएं बीजी पार्क। बीजी पार्क आप देखेंगे रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ पे आप आर्मी की कुछ चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं देनकुंड पीक। ये डलहौजी का सबसे ऊंचा पीक है और यहाँ पे जाके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, सीनिक व्यू देखने को मिलता है। और सिक्स डे आप वापस जा सकते हैं पठानकोट की तरफ। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि डलहौजी और धर्मशाला हम घूमने तो जाएंगे लेकिन स्टे कहाँ करें, तो इसका फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अगर चाहिए डलहौजी और धर्मशाला में सबसे बेस्ट स्टे, बेस्ट प्लेस में बेस्ट सर्विस के साथ, तो आपने कलस्टेज को कॉल करना है 7650888765 पर, और बिना किसी हजल बजल के अपना होटल बुक करना है। अगर आप धर्मशाला और डलहौजी का पैकेज भी बुक करना चाहते हैं तो भी आप कलस्टेज को कॉल कर सकते हैं 7650888765 पर। इस पैकेज में आपको कैब प्रोवाइड की जाएगी, आपके लिए होटल बुक किया जाएगा, आपको साइट सीनिंग करवाई जाएगी, तो इसमें ये आपके लिए कपल पैकेज भी रहेगा और आपके लिए फैमिली पैकेज भी रहेगा, तो आप बिना किसी टेंशन के कलस्टेज को कॉल कर सकते हैं और अपना धर्मशाला डलहौजी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और इसकी डिटेल के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। पैकेजेस और होटल्स के प्राइस की जानकारी के लिए आप कलस्टेज को कॉल करें 7650888765 पर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इसी तरह की हिमाचल अपडेट्स और पैकेजेस की जानकारी के लिए।